रशियन मूवी आई एम लूजिंग वेट। मूवी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से शहर में एक 20 साल की लड़की जो अपने स्विम कोच और बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड चैनिया के साथ रहती है। जब कपल पहली बार मिले थे तो एनिया जीरो फिगर थी, लेकिन एनिया अब बेकरी में काम करती है, इस वजह से खाने को रजिस्ट नहीं कर पाती और कुछ महीनों में आनिया का वेट 76 केजी हो जाता है। एक दिन इस कपल को इनके एक फ्रेंड की वेडिंग में इनवाइट किया जाता है, तो आनिया अपने पुराने ड्रेस निकाल के उनको ट्राई करने लगती हैं, तो कोई भी ड्रेस उसको फिट नहीं आता है। आनिया को ऐसा लगता है कि वो एक कंफर्टेबल ड्रेस पहना के अपने वेट गेन को छुपा लेगी। उसका बॉयफ्रेंड जेनिया भी इसके वेट गेन पर कमेंट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता था कि आनिया के लिए ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। काफी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद में आनिया को एक डिसेंट सा ग्रीन ड्रेस मिल जाता है, जिसमें वो कंफर्टेबली फिट हो जाती है। जेनिया आनिया को जब उस पार्टी ड्रेस में देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि आनिया अब वो लड़की नहीं रही जिसे वो पहले मिला था। जेनिया आनिया को अपने साथ वेडिंग में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फिटनेस इंडस्ट्री के लोग होंगे जो आनिया को देखेंगे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फिटनेस कोच की गर्लफ्रेंड ही अगर सो कॉल्ड आउट ऑफ शेप हो तो उसके पास कौन आएगा। आनिया जेनिया का हिंट समझ जाती है और वो घर पे रुकने के लिए ही एग्री हो जाती है। जाने से पहले जेनिया एनिया को ऊपर उठाता है और काउंटर पे बिठा देता है। आनिया जेनिया को किस करने लगती है तो जेनिया पीछे हट जाता है और वेडिंग के लिए चला जाता है। इस गेस्चर को एनिया क्लियरली नोटिस करती है और लिटिल बिट हर्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। जेनिया के जाने के बाद में एनिया कंफर्टेबल क्लोथ्स में मोबाइल पर फेसबुक पर अपने फ्रेंड की वेडिंग की पिक्चर स्क्रॉल कर रही थी, तो वो देखती है कि लेटेस्ट पोस्ट में जेनिया और एक लड़की काफी इन्वॉल्व लग रहे थे और वो लड़की जेनिया को किस कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर आनिया के लिए काफी था कि वो अपनी ड्रेस चेंज करके वेडिंग वेन्यू की तरफ भागे और अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को उसको पिक करने के लिए बुलाती है। नताशा को भी लगा कि आनिया ने काफी वेट गेन कर लिया है, लेकिन नताशा को आनिया अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उसका फेस होल्ड करके कहती है कि अपनी बॉडी के लिए तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नताशा आनिया को वेडिंग वेन्यू पे छोड़ देती है। आनिया जब वेडिंग वेन्यू के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जेनिया उसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। अब आनिया के अंदर की जेलेसी ने पूरी तरह से काम कर दिया और वो इन दोनों के बीच में जाके डांस करने लग जाती हैं और जेनिया को किस करती हैं, जिसकी वजह से उस दूसरी लड़की को ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जेनिया अब इस सिचुएशन में कुछ खास कर नहीं सकता था, तो वो रिलक्टेंटली डांस करने लगता है। फिर दोनों मिलके वेडिंग में खाना खाने लगते हैं, तो आनिया अपने बॉयफ्रेंड को पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ इतना क्लोज होके क्यों डांस कर रहे थे, तो जेनिया बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम हमेशा खाती रहती हो और तुम मेरे लिए एक बर्डन हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आनिया रोने ही वाले होती है कि वहाँ पे न्यूली वेड कपल आता है और आनिया को कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। इसके बाद में आनिया के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाता है। आनिया का रोना अब रुक नहीं रहा था, वो अपनी मॉम से मिलने के लिए गांव चली जाती है, जहां पर उसकी मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी। आनिया अपनी मॉम को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ इसलिए ब्रेकअप कर दिया क्योंकि उसका वजन काफी बढ़ गया है। तो आनिया की मॉम कहती है कि वो फैट नहीं है, उसकी बोन वाइड है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। अब इस कमेंट ने आनिया के रोने में घी का काम किया और वो और सैड हो जाती है। रात को अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते हुए वो देखती है कि वो पहले कितनी ज्यादा स्लिम थी। अगले दिन उसकी फ्रेंड नताशा उसको कॉल करके अपने पास बुला लेती है। आनिया नताशा के घर उसकी बालकनी में अपना बेड लगाती है और नताशा और उसका हस्बैंड आनिया को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तो नताशा उसको एडवाइस करती है कि तुम जिम ज्वाइन करो, अपने आप को स्लिम या जीरो फिगर बनाओ, फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलो तो वो खुद तुम्हारे लिए सामने से फ्लावर लेके आएगा। आनिया को आइडिया सही लगता है और अगले दिन वो जिंदगी में पहली बार जिम जाती है और वहाँ एक्सरसाइज कर रहे लोगों को और वहाँ के इक्विपमेंट्स के साथ सिमिलर होने की कोशिश करती है। आनिया का जिम में पहला दिन कुछ खास नहीं जाता, वो ट्रेडमिल पे गिर जाती है। आनिया की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी उसके लिए काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में एक रेस्टोरेंट पर बैठ के बर्गर खा रही होती है। वहीं पे उसकी फ्रेंड नताशा काम करती है, जो उसका फूड डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि तुमसे एक दिन के लिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। नताशा आनिया को उसका कोल्ड ड्रिंक फेंकने के लिए कहती है, लेकिन आनिया उस कोल्ड ड्रिंक को फेंकने के लिए भी राजी नहीं है। घर जाके आनिया पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाती है और बॉडी पर प्लास्टिक रैप लपेट देती है और चिप्स खाते हुए सोचती है कि शायद वो अभी स्लिम दिखे।
लेकिन आन्या की भूख शांत होने वाली नहीं थी, तो वो चुपके से नताशा के फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालती है।